मैं तो यही कहूंगी कि पिताजी है, सच थे, सच है और सच ही रहेंगे। दुनिया को सबको दिखा देंगे पिताजी भी कैसे क्या होएगा। इतने बड़े पूर्ण संत कहीं नहीं मिलेंगे, इस दुनिया में है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों से आपको सीधा रूबरू करवा रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा का असली सच क्या है, डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों का क्या कहना है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? विनू इंसा। विनू इंसा जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी तो प्लस टू है, बाकी मैंने पार्लर का कोर्स कर रखा है जी। मतलब घर में हाउस वाइफ हूँ, बाकी जैसे कोई कस्टमर वगैरह आ जाए तो अटेंड कर लेती हूँ जी। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मेरी मम्मी तो परमपिता के टाइम से, पापा ने, मम्मी ने ले रखा है नाम, और हमने फिर मम्मी ने जब ले लिया फिर मम्मी के साथ ही हम थे। फिर कुछ हम छः बहनें और एक मेरा भाई है। तो मेरी मम्मी शुरू से ही मतलब डेरे को, मतलब हमारे, मेरा भाई ना परमपिता के वचनों से ही हुआ है। तो जैसे हमें तब से ही मेरी मम्मी को विश्वास पूरा हो गया था कि मेरा तो ये सतगुरु पूरा है। मम्मी ने बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन जो पूरन सतगुरु कहते हैं ना, जब मिल जाता है तो सब कुछ उसी में आता है। मेरे मम्मी पापा का मतलब पूरा विश्वास है पिताजी पे, जैसे भी मैं बता नहीं सकती, मेरे भी हमें पिताजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैम, आप कितनी बार आश्रम में कितनी बार गए हो? हम तो रहते ही समझ लो, ज़्यादातर हमारा डेरे में ही मतलब सेवा कर ली से। रात को भी कभी रुके हो? रात को जैसे पिताजी, जैसे भी अभी तो पिताजी, पहले जैसे पिताजी जब यहाँ थे तो समझ लो रात रात यहीं रहते थे। जब पिताजी ने वचन ही कर देते भी, जब यहाँ जो रह गया सोने पे सुहागा, तो हमें तो सतगुरु से इतना कुछ मिला है ना, बता नहीं सकते। कभी आपने, आप फील कैसे करते थे बीइंग गर्ल, कैसा महसूस करते थे डेरे में? क्या बताऊँ आपको मैं, सेफ्टी को लेकर कैसे महसूस? सेफ्टी यहाँ जितनी सेफ्टी मैं तो करूँ, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी सेफ्टी इस दुनिया में, कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे सतगुरु डेरा सच्चा सौदा में है, कहीं नहीं मिल सकता। फिर आपका उन हेडलाइंस, उन खबरों के बारे में क्या कहना है जो मीडिया में दिखाया? सब झूठ है, सब झूठ। जो लोग दूसरों को चाहते हैं ना भी, बस वो भगवान के साथ ना जुड़े, वो ये सब कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो भगवान को इतने साफ रास्ते से लेके आ रहे हैं ना, जो उसको कोई ऐसे, हर दुनिया ही चाहती है कि वो ना जाए कोई अच्छे रास्ते। लोग नहीं चाहता कोई अच्छे रास्ते जाए, लेकिन हमारा सतगुरु अच्छे रास्ते सबको लेके आएगा हमेशा। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी पिताजी के अलावा कोई नहीं है, मैं तो आज सच कह रही हूँ आपको। मैम, आप क्या, आपने बताया आप छह बहनें हो और एक भाई हो, कभी आपके परिवार में आपसे भेदभाव बहनों में, भाइयों में? कभी नहीं मैम, क्योंकि आजकल देखा जाए लड़कियों को नहीं। हमारी तो बहनों में हमारा इतना प्यार है ना, एक दूसरे पे जान बांटती हैं। तो मैम फिर ये सोच कैसे आई? पिताजी से ही, पिताजी हमारे दोनों, मेरे छोटे बहन और एक भाई मेरा, दोनों डेरे ही पड़े हैं तीनों, और तीनों मैं आपको बताऊँ इतने संस्कार है ना, मैं डेरे से ही मिला हमें सारे संस्कार। क्यों, मेरे मम्मी पापा ने जब डेरे आ गए तो हमने थोड़ी ना, मम्मी के पापा के शादी के बाद भी हमें तो ऐसा परिवार मिला, पिताजी ने वचन किए थे भी नाम वाले में, अगर जैसे हम नाम वाले हैं ना, फिर नाम वाले में पिताजी ने कहा था अगर करो ना तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा, और ये हमने आजमाया है। क्योंकि पिताजी ने कहते ना सेवा का फल हाथों हाथ है, तो पिताजी ने सेवा का फल तो हमें नकदों नकद दिया है, और जो हमारे इवन हस्बैंड है वो भी हमें कभी नहीं रोकते कि डेरे ना जाओ। एलिगेशन जो संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? सब झूठ है, मैं तो सही बताऊं तो पिताजी के, पिताजी को सबने झूठ जो मर्जी बोल दे, लेकिन हमें पता है, हमारा दिल पता है, इतने लाखों संगत आती है, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी, विश्वास है। सच्चाई क्या है मैम, उन्होंने फिर एक्चुअली में सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है? क्या बताऊँ मैं, ये सब झूठ है। नहीं, समाज के लिए क्या क्या है गुरु जी ने? पिताजी ने देखो सुख दुआ जो समाज बनाया है, वैश्यावृत्ति पिताजी ने देखो हटाई, सब उनको देखो घर बसाए उनके हैं, और पिताजी ने बहुत लड़कियों का देखो इतना साथ दिया, जो पिताजी कहते हैं लड़कों से आगे लड़की हैं, पिताजी ने लड़कों को इतना मान दिया है, आज तक कोई संत ने देखा आपने दिए, किसी ने नहीं दिया जितना पिताजी ने लड़कियों को इतना मान दिया है। लड़कियाँ पिताजी कहते हैं आज के टाइम लड़कों से आगे हैं, ये तो आप भी मानते हो इस बात को, कि आज आप भी देखो कैसे आगे हो के आप कर रहे हो, जिस इतना तो मैं तो करूँ लड़के नहीं आज के टाइम में करते होंगे जितना लड़के आगे हो के कर रहे हैं। तीन चार सालों से अब संत जी समाज में नहीं है, क्या हमें तो नहीं लगता पिताजी हमारे साथ नहीं है, हमें तो ऐसे लगता है पिताजी हमारे साथ हैं। पिताजी कहते हैं कि हम, अगर आप हमें समझोगे हम आपके साथ हैं, तो हमारे साथ ही हैं पिताजी। आपको कितना विश्वास है? क्या बताऊँ मैं, हद से ज़्यादा विश्वास है, हम अपने से ज़्यादा मेरे को पिताजी पे विश्वास है। आप उनके लिए इतने भावुक क्यों हो रहे हो, मतलब ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा क्या मिला जो, मतलब क्यों आप इतना रिस्पेक्ट इतना? मेरे पहले ना बेटा हुआ था 8 महीने का, तो जैसे शादी के बाद 8 महीने का बेटा हुआ तो मेरे वो रहा नहीं,
दो दिन के बाद मतलब एक्सपायर हो गया वो। फिर पिताई ने ना हमें गुफा में मिला है, पिताई से हम मिले। पिताई ने फिर ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो फिर सही बताऊँ आपको मैं, उसके बाद मेरी बेटी हुई, गुड़िया हुई। उसके बाद पिताई ने ना सही देखो, पिताई ने ना हमें यहाँ प्रसाद दिया, जो 9 महीने बाद मेरे बेटा हो गया। और पिताई ने वो ऐसे वही सब कुछ मेरे साथ वही हुआ जो मेरे वैसे मैं कह नहीं सकती, वही पिताई ने मुझे वापस दे दिया। मैं आपको ये सच चमत्कार है, जो मेरा गया था ना वही सेम वही चीज़ मेरे को वापस दिया पिताजी ने। क्या आप बताना चाहोगे समाज को, क्योंकि समाज ने जो भी कुछ डेरा सच्चा सौदा के बारे में देखा है, मीडिया में देखा है, आप क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? मैं तो यही कहूँगी कि पिताजी हैं, सच थे, सच है और सच ही रहेंगे। दुनिया को सबको दिखा देंगे पिताजी भी कैसे क्या होएगा। इतने बड़े पूर्ण संत कहीं नहीं मिलेंगे, इस दुनिया में है ही नहीं पिताजी के अलावा। क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? मैं तो यही कहूँगी पिताजी को जल्द से जल्द लेके आएँ यहाँ, और जैसे पहले संगत इतनी आती थी, इतनी अभी भी आती है खैर, पर ये कि और संगत का विश्वास बढ़ जाएगा, जो नहीं मानते वो भी मानने लग जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की सीधी बातचीत, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वो चंद सूत्र जब वो लड़कियां जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, दिन रात आश्रम में रुकती रही हैं, गुरु जी को जानती हैं, फिर आखिर क्यों इन लड़कियों को बदनाम किया गया, ये लगातार जनता सवाल कर रही है और सरकार से इंसाफ की मांग कर रही है। आप लोग अपनी राय डालते रहिए, कमेंट बॉक्स में देखते रहिए, सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।